श्रुतिहासन। श्रुतिहासन को तमिल लोग विशेष सम्मान देते हैं। वह सम्मान है कला के बादशाह की बेटी का सम्मान। जी हाँ, कमल हासन की बड़ी बेटी है श्रुतिहासन, इसलिए बड़े शान से तमिल सिनेमा में उनकी एंट्री हुई एराम अरिवु फिल्म में एआर मुर्गदोस के डायरेक्शन में सूर्या के साथ। अगली तीन फिल्मों में ऐश्वर्या धनुष के डायरेक्शन में धनुष के साथ उन्होंने शानदार काम किया। भले ही फिल्में अच्छी थी पर ज्यादा नहीं चल पाई, सीधे छलांग लगाई तेलुगु इंडस्ट्री में। तमिल जैसी नहीं है तेलुगु इंडस्ट्री, टैलेंट नहीं है तो भी चलेगा, बस डांस का टेस्ट रखने वालों को। टेस्ट और टैलेंट दोनों रखने वाली श्रुति हासन तुरंत नंबर एक पर पहुंच गई। बस कोई भी फिल्म कर ली ऐसा नहीं, फिल्म में किरदार अच्छा है या नहीं ये भी तो देखना पड़ता है। तेलुगु हीरो मोहन बाबू की बेटी लक्ष्मी मच्छू के साथ की फिल्म इसका अच्छा उदाहरण है। हिंदी तमिल तेलुगु तीनों इंडस्ट्री में बिजी रहने वाली श्रुति पिता की वास्तविक वारिस है, यह उन्होंने साबित किया है। MGR तमिल प्रजा के हृदय की धड़कन। अमेरिका में पढ़ते समय ही उन्होंने गद्दी हासिल की और पूरे प्रदेश पर राज्य किया। एक ऐसा व्यक्तित्व जो तमिल प्रजा की आत्मा बन गई। सिनेमा जगत में काम करते समय हो या फिर राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में, उनके चाहने वाले उनका अनुसरण करने की चाहत निरंतर करते रहे हैं। उनके जिंदा रहते समय या मरणोपरांत भी उनके लिए जुटने वाली भीड़ जितना कोई भी और नेता नहीं कमा सका। रेवती। सभी को रेवती बेहद पसंद है। हीरोइन रहते समय दूसरी हीरोइनों को भी रेवती बेहद पसंद थी। दूसरी अभिनेत्रियों के हो हल्ला मचाते समय वे बिल्कुल चुपचाप शांति से अपने किरदार को भली भांति निभाती आईं। आज भी उनके अभिनय की बात होती है। मनवासने की मुत्तुपेची, खुद में पिन की सीता, वैदगी कातिरुंदल में वैदगी, कनिदास की धनलक्ष्मी, पुन्नगई मन्नन की मालिनी, कड़े के वासल की तायम्मा, देवर मगन की पंजवन्नम, मरुपड़ियम की तुलसी, तलेमुरई फिल्म की नाचाई कैरेक्टर। रेवती ने एक एक कैरेक्टर में जैसे मानो जान फूंक दी हो। केवल हमारे यहाँ नहीं, तेलुगु मलयालम जैसी इंडस्ट्री में उनका अलग सम्मान था। किलकुम नाम की मलयालम फिल्म में रेवती ने कॉमेडी का मेंटल कैरेक्टर निभाया। इसे करने के लिए एक और रेवती को पैदा होगा ऐसा मोहनलाल कहते हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, हिंदी सभी फिल्में मिलाकर लगभग 125 फिल्में कर चुकी हैं। उनके समय के दौरान जो कुछ उन्होंने हासिल किया ऐसा कोई और नहीं कर पाया। कहने का कारण, तलाक के बाद यदि पुराना पति सामने दिखे तो दूर भागने वाली लड़कियों को ही हमने देखा है। पर रेवती, सुरेश मेहरा उनके साथ तलाक के बाद भी उनके घर जा कॉफी पी अच्छे से बात कर आती हैं। उतनी ब्रॉड थिंकिंग वाली हैं वे। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो काइंडली लाइक शेयर कमेंट एंड फॉर फर्दर अवर इंटरेस्टिंग वीडियोस सब्सक्राइब अवर चैनल बिलो।